बीसवीं सदी का वो दूसरा या तीसरा दशक रहा होगा। तीसरे दशक में बिहार के समस्तीपुर के एक गांव में एक नाई घर का बेटा, जिसके पिता अपना पुश्तैनी काम करते थे नाई का, उनके घर एक युवा, उनका बेटा मैट्रिक की परीक्षा पास करता है। ये सामान्य घटना नहीं थी। अपने घर से, पुश्तैनी घर से 6 किलोमीटर दूर जो प्राथमिक विद्यालय था, सरकारी विद्यालय था, और ध्यान रखिएगा, जब जब ऐसे व्यक्तित्वों की बात हम करते हैं तो उन सब की बुनियादें, उन सब की नींव प्राथमिक विद्यालयों और विद्यालयों से निकलती है। किस्सा बहुत बारीकी से विद्यालयों से जुड़ा हुआ है। स्कूल जिन्हें आज बर्बाद कर दिया गया है, और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वे स्कूल ही जिनसे किसी जमाने में कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग निकले, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। तो ये बात जोड़ दी है मैंने, जिसे याद रखिएगा। अपने गांव से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर रोज पैदल पढ़ने जाने वाला एक युवा, और उससे भी बड़ी बात ये कि वो नंगे पैर पढ़ने जाया करते थे। एक किताब है जिसके रेफरेंस से कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। कर्पूरी ठाकुर नेता विरोधी दल के रूप में संसदीय भूमिका किन्हीं डॉक्टर रंजना कुमारी जी के शोध के आधार पर यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें मुझे कुछ तथ्य मिले हैं और कुछ जीवनी जो मैंने पढ़ी है। ध्यान से समझिए इस जीवनी को। नंगे पैर 6 किलोमीटर दूर तक रोज पढ़ने जाना और वहां से कर्पूरी ठाकुर का बनना, और वहां तीसरा दशक गुलाम भारत, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने ये शपथ ली थी कि वो गुलाम भारत में अपनी गुलाम संतानें नहीं पैदा करेंगे। आपको ये आज वाक्य बेहद सामान्य सा लगेगा, लेकिन इस पूरे वाक्य के विन्यास को और जिस वक्त ये वाक्य बोला गया उस वक्त को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस वाक्य की अहमियत की गहराई और दूरंदेशी को महसूस करेंगे कि मैं गुलाम भारत में गुलाम संतानें नहीं पैदा करूंगा। वह एक बच्चा, वह एक मैट्रिक पास बच्चा, जब मैट्रिक पास करने की खुशी अपने पिता से साझा करता है और यह साझा करता है कि मुझे आगे पढ़ना है, पिता कुछ मदद की उम्मीद में अपने गांव के एक सामंत के पास जाते हैं, और उस सामंत से जाकर तारुफ कराते हैं, और बेटा यह बोलता है कि मैंने मैट्रिक पास कर ली। वो खुशी, उस बाल मन की खुशी देखिए, मैंने मैट्रिक पास कर ली। तो अपने घर की दालान पर लेटा हुआ वह सामंत यह कहता है कि अच्छा, तुमने मैट्रिक पास कर ली, आओ गोड़ दबाओ। हमारे यहां भोजपुरी में गोड़ पैर को कहते हैं। उस बालक से यह कहते हैं कि आओ गोड़ दबाओ, और उस बाल मन पर इस बात की पीड़ा इतनी गहरी पड़ी, उस नाई घर में पैदा एक सामान्य से बच्चे को, जिसने शिक्षा को लेकर के एक आग महसूस की थी अपने भीतर, आगे पढ़ना चाहता था, उसे अपने ही गांव के एक सामंत ने जब ये कहा आओ गोड़ दबाओ, इस मनोविज्ञान ने, इस बात ने उनके जहन को इतना गहरे रूप में प्रभावित किया कि उन्होंने तय किया कि इस सामाजिक संरचना के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें एक शिक्षित युवा को भी यह कहा जा रहा है आओ गोड़ दबाओ।
एक सामान्य परिघटना नहीं थी। पढ़ते होंगे हम कि न्यूटन के सामने एक फल गिरा, सेब गिरा, और उसने उससे गुरुत्वाकर्षण की खोज की। इस देश में न्यूटन और आइंस्टीन अगर हैं तो मैं उन्हें कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर, फूलन देवी जैसे लोगों के बीच उन्हें इस रूप में देखता हूं और इस रूप में देखने की अपील आपसे करता हूं। क्योंकि भारत में विज्ञान की खोज एक सामान्य घटना मेरे लिहाज से लिखती है, वह एक सामान्य परिघटना है जो दुनिया भर में क्रमशः आगे बढ़ती गई, लेकिन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर गहरे बैठी हुई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, शोषण और वंचना की जो श्रेणियां बनी थी, पितृसत्ता की जो श्रेणी बनी है, इन श्रेणियों के भीतर अगर कोई नाई घर का व्यक्ति, कोई निषाद, कोई मल्लाह, कोई कुम्हार, कोई मोची, कोई धोबी अगर सत्ता के पायदान के शीर्ष पर पहुंचता है तो यह एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक क्रांति है, नंबर एक। और नंबर दो, विश्लेषण इस बात का भी किया जाना चाहिए उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही गहराई से, कि जब समाज सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे निचले पायदान पर ढकेले गए लोगों को मनुष्य होने के बावजूद मानवीय गरिमा को तार तार कर देने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत जिनको मिले, उस पायदान से निकले लोगों को जब भी सत्ता चलाने का मौका मिला, नीतियां बनाने का मौका मिला, देश चलाने का मौका मिला, तो उन्होंने क्या किया, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैट्रिक पास जिस बच्चे को यह बोला है उसके गांव के सामंत ने कि मैट्रिक पास कर लिया, अच्छा आओ गोड़ दबाओ, उसी नाई के बेटे को जब बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, दो बार मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने 8वीं तक के स्कूलों की शिक्षा निःशुल्क कर दी। आज आप बहुत बारीकी से इन कामों को समझिए, 8वीं तक के स्कूलों की शिक्षा निःशुल्क कर देना, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई, या इसको आसान भाषा में कहें अंग्रेजी अनिवार्य थी, एक किसान, एक मजदूर, एक कुम्हार, एक लोहार, एक बढ़ई, एक नाई, एक मोची, एक मल्लाह के बेटे को, एक कामगार, एक कृषक, एक कमेरा जाति से आए हुए युवा के सामने ये बेड़ियां थे। एक आजाद देश में पराई भाषा को, विदेशी भाषा को ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का पर्याय माना जाता था, अंग्रेजी। और ऐसा, और आज भी हम इससे उबर नहीं पाए, तो क्या अंग्रेजी केवल ज्ञान की पर्याय थी या उस वंचित शोषित जमात से आने वाले युवाओं के सामने एक बाधा थी? क्योंकि आपने ज्ञान का परीक्षण नहीं किया, आप भाषा का परीक्षण करके उनको स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक जलील करते रहे, उनके हाथ से ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा पाने के मौके को छीनते रहे। तो जब सबसे निचले पायदान वाले व्यक्ति को मौका मिला, और आज मैं विशेष संदर्भ में जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए कह रहा हूं कि जब उन निचले पायदान के लोगों को मौका मिला तो उन्होंने शिक्षा के जरिए क्रांति की, 8वीं तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर देना, और यह बात उन्हें समाजवादी, लोहियावादी वैचारिकी की ट्रेनिंग से मिले थे। और उसके बाद ये किताब और तमाम शोध ये बात दिखाते हैं कि वंचित शोषित जमात के युवाओं का स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो बहुत हद तक घट गया, और नीचे वाली जातियां, कथित तौर पर सामाजिक पायदान में नीचे वाली जातियां ऊपर आकर के मुख्य धारा में इस देश और समाज को चलाने में अपनी काबिलियत का योगदान देना शुरू करती।
जब समाज के सबसे निचले पायदान पर ढकेले गए इन लोगों को मौका मिला तो उन्होंने भूमि से सुधार किया, लोकतंत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करना चाहिए। भूमि सुधार को हर स्तर पर लागू करने की अपील की, काम किया उसके लिए। और अभी मैं बताते चलूं और आगे इसे विस्तार में बात करूंगा इस किताब के जरिए जो मैं बात कर रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर के नेता विरोधी दल की संसदीय भूमिका का एक तथ्य आपसे साझा कर रहा हूं, कुछ और तथ्य भी इसके साझा करूंगा। बारीकी से समझिएगा क्या किया उन लोगों ने जब उन्हें सबसे निचले पायदान पर मनुष्य होने की बुनियादी गरिमा तक से वंचित कर दिया गया, मनुष्य ही नहीं समझा। ऐसा आर्यावर्ते, जम्बू द्वीप, भारत खंडे, विश्व गुरु, जाने क्या क्या, सोने की चिड़िया, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा जाति व्यवस्था के नाम पर भारत में किया गया। नाई का बेटा, उसे सामाजिक रूप से ऐसी वंचना जिसके आधार पर वो आगे न बढ़ सके, उसके मौके छीने गए। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने क्या कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, मैं तारीख बताता हूं, 1980 के आसपास का ये वक्त है, उन्होंने नेता प्रतिपक्षी दल के रूप में सदन में एक कविता पढ़ी थी, यह गहन प्रश्न है कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 या अधिक हो तो हम नाम गिनाएं, हर कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है, घातक है जो देखता सदृश दिखाता है लेकिन कमरे में गलत दुम लिखता है, गलत हिसाब लिखता है। और तब कर्पूरी ठाकुर ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, कामगारों की, श्रमिकों की, युवाओं की बात की और एक समाज को न्यायप्रिय बनाने की बात कही। एक आंकड़ा मैं इससे देना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे, 1967 से 1971 के बीच जितने प्रश्न पूछे थे नेता सदन रहते हुए, नेता विरोधी दल रहते हुए, इन प्रश्नों की संख्या देखिए, शिक्षा पर 1382 प्रश्न पूछे कर्पूरी ठाकुर ने, राजस्व 746, लोक निर्माण पर 715, सामुदायिक विकास और पंचायतों पर 654, सिंचाई और नदी घाटी योजनाओं पर 574, स्वास्थ्य के मसले पर 536, कृषि एवं सिंचाई लघु के 474, आपूर्ति और वाणिज्य पर 385, सहकारिता और चीनी उद्योग पर 296, विद्युत पर 264, स्वास्थ्य शासन, स्वायत्त शासन पर 219, वित्त पर 100। आप इन प्रश्नों की सूची देख करके यह समझेंगे कि जब समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों को मौका मिला तो उन्होंने इस दुनिया को सबके लिए बराबर बनाने का, सबको मौका दिलाने का काम किया, इसलिए उन्हें जननायक कहा गया। शिक्षा से वंचित रखा जिस सामाजिक, सांस्कृतिक, सामंतवादी, पितृसत्ता, मनुवादी व्यवस्था ने, उस व्यक्ति ने शिक्षा की अहमियत समझी और स्कूल बनवाए, उनको घर। एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बारीकी से इन बातों को समझिए, ये केवल एक मैं भाषण देने की बजाय अपनी पीढ़ी की युवाओं से एक संवाद कर रहा हूं। हमारे सामने राजनीति का व्याकरण अलग है दोस्तों, हमें इस व्याकरण को समझने की जरूरत है, और इसलिए समझने की जरूरत है कि यह इतिहास न हमारी किताबों में पढ़ाया जा रहा है, न हमारी चाय की चट्टियों से लेकर घर के टीवी देखने तक कमरे में कोई बताने वाला नहीं रहा कि कौन थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगर उनको मौका मिला तो कैसे उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात की। गांधी से प्रभावित, लोहिया से प्रभावित, समाजवाद की वैचारिकी से प्रभावित कर्पूरी ठाकुर सदन में जब भी खड़े होकर बोलते थे, वो कहते थे कि मुझे न्याय को, लोकतंत्र को उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक ले चलना है, यही मेरी राजनीति है, यही मेरा समाजवाद है, यही मेरा विचार है।
कौन बताएगा आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में? आज अपने नाम पर तार से गुदवा करके 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाला एक फकीर जो झोला उठा करके चल देने की बात करता है, वो फकीर जो करोड़ों रुपए की पीआर एजेंसी के जरिए इवेंट क्रिएट करके अपने परिवार अपने समाज में आगे पीछे किसी के न होने के चलते खुद की इमेज को फकीर बनाकर घोषित करता है, बाल और दाढ़ी बढ़ा करके कभी वाल्मीकि तो कभी टैगोर बनने की छवियां रचता है, वो एक दिन में कितने कपड़े बदलता है। ऐसे नायक के दौर में जो छद्म नायक है, जो हमारे ऊपर आरोपित है, वैसे नायक के दौर में कर्पूरी ठाकुर का एक और किस्सा सुनिए। दो किस्से हैं कपड़े को लेकर। चंद्रशेखर जी बड़े नेता थे और चंद्रशेखर जब बिहार गए एक मीटिंग थी, एक बैठक थी, उसमें भाग लेने, तो कर्पूरी जी उनसे मिलने आए। चंद्रशेखर जी मिलते हैं और कर्पूरी जी के कपड़े पर उनकी नजर जाती है। और उस जमाने में जब कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कोई सामान्य कद नहीं था। मैं बहुत छोटी सी बात इसमें जीवन की है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जीवन की कुछ बातें आपको जरूर बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। एक विवाद चलता है, कुछ लोग कहते हैं कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1920 में हुआ था, लेकिन मैट्रिक की डिग्री पर उनके 1924 जन्मतिथि है, इसलिए हम 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मानते हैं। और उसके बाद 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हुआ। दो बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक बिहार के, और दूसरी बार जून 1977 से लेकर के अप्रैल 1979 तक, 1979 तक कर्पूरी ठाकुर दो बार मुख्यमंत्री रहे। जंगे आजादी के वक्त वो आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, गांधी से बेहद प्रभावित थे, लोहिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये किस्सा भी भूला नहीं हूं, चंद्रशेखर वाला और कपड़े वाला, थोड़ा जिंदगी के बारे में जान लीजिए, फिर मैं उस कपड़े पर किस्सा जरूर सुनाऊंगा कि आप ये समझें कौन थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने किया क्या था, जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज वे भी उन्हें याद करने पर मजबूर है। जो कर्पूरी ठाकुर के देखे गए ख्वाब को कुचलने पर आमादा हैं, हमारे दौर में हम कर्पूरी ठाकुर को कैसे याद करें? यह सवाल बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि मुझे जो विषय दिया गया है, मुझे यह विषय दिया गया है कि हमारा समय और कर्पूरी ठाकुर, इसलिए यह बात समझनी बहुत जरूरी है। 1942 के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कर्मठ योद्धा की तरह भूमिका निभाई और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे। लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा में उस जमाने में 1942 की आजादी की लड़ाई के जमाने में, उस समय उन्होंने ये कहा कि श्री ठाकुर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, समाजवादी आंदोलन के अग्रणी, कुशल प्रशासक तथा सजग विरोधी बल के नेता के रूप में बिहार और देश की सेवा करते रहे। पुराने अभिजात जातिवादियों के यहां थोड़ी तो बौद्धिक ईमानदारी मिल जाती है कि उन्होंने कुछ हद तक तो इनके ऐसी जातियों के लोगों को कबूल किया। ये हमारे दौर के बुद्धिजीवियों को क्या है, आपको इनका भी विश्लेषण करना है, जिनकी बातों में न्याय है, सामाजिक न्याय है, लेकिन सामाजिक न्याय के नायक नहीं है, उनका इतिहास नहीं है, उनके पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं है, वो कभी याद नहीं करते कर्पूरी ठाकुर को। और गालियां तो उन्होंने वो दी हैं जो अभी मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा गालियों का भी। बस जीवन के बारे में कुछ बातें बेहद जरूरी हैं, वो जानिए। संघर्ष करके एक नाई का बेटा कैसे बिहार के इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री एक बार नहीं दो बार बनता है, और उसने अपने काम से वो इतिहास रचा कि मैट्रिक पास होने के बाद जिस सामंत के पास गए थे कर्पूरी ठाकुर, और खुशी खुशी उन्होंने सामंत से बताया था कि मैं मैट्रिक पास हो गया। पिता कहते चाहते थे कि कुछ आगे मदद मिल जाए कि वो आगे पढ़ाई कर सके, और वह सामंत अपने खाट पर लेटा हुआ कहता कि मैट्रिक पास हो गए, आओ गोड़ दबाओ। उस सामंत को इतिहास में कोई नहीं जानता,
दफन है वो इतिहास में, उसका शोषण, उसका यह वाक्य, उसका यह वंचितों शोषितों के खिलाफ नजरिया। और ऐसे जाने कितने सामंतों ने वंचितों शोषितों की जाने कितनी पीढ़ियों को बर्बाद किया, उसका इतिहास हमें पढ़ेंगे हम। आर्यावर्ते जम्बू द्वीप भारत खंडे हिंदू राष्ट्र, इसका इतिहास नहीं पढ़ेंगे। और तब पूछेंगे कि कर्पूरी ठाकुर उसके बीच से कैसे निकलता है। 1952 में पहली विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव पर टिकट चुन लिए गए, लेकिन उसी के बाद एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, गंगा शरण सिंह, बसावन सिंह आदि तमाम लोग। और उसके बाद 1957 के दूसरे आम चुनाव के समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कर्पूरी जी पुनः ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने जाते हैं। और 1963 में तीसरे आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर पुनः ताजपुर के ताजपुर से पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। लगातार चुनाव जीतते रहे। और 64 में सूरज नारायण सिंह, त्रिपुरारी सिंह, वीपी सिन्हा इन सब के साथ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ और 28,000 मतों से फिर से ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से कर्पूरी जी चुनाव जीतते हैं और 22 दिसंबर 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। उस जमाने का एक किस्सा है जो मैं पहले बता चुका हूं, बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हुए और बिहार की राजनीति को याद करते हुए, कि कैसे 1969 में वो वहां एक पूरा गैर कांग्रेसवाद की एक लहर उठती है और कैसे सारे लोग मिल करके एक पहले गैर कांग्रेसी गैर सवर्ण व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते। लेकिन उसके बाद तानाशाही की जो लड़ाई है, इस किताब में उसका एक जिक्र मिलता है कि जब जेपी आंदोलन के समय की बात है, जो व्यक्ति जंगे आजादी के समय कम जेल गया, आजाद भारत में कर्पूरी ठाकुर 18 से 20 बार जेल गए और इमरजेंसी के समय कर्पूरी ठाकुर ने किस तरह से 5 सितंबर 1975 को, और ये पूरा किस्सा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस इसकी बारीकियों को ऐसे समझिए कि जब इमरजेंसी देश में थी तो कर्पूरी ठाकुर लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे, नेपाल तक छुपने गए थे, कलकत्ता, काठमांडू और वहां से लेकर के दिल्ली तक में वो लगातार विरोधी दल के लोगों को एकजुट करते रहे। 21 अक्टूबर को कलकत्ता में वामपंथी दलों और विरोधी दल के नेताओं के साथ विचार किया, फिर बंबई गए, वहां उन्होंने कांग्रेस और बाकी कांग्रेस के विरोध में तमाम लोगों को एकजुट किया। 9 नवंबर को बोकारो गए, 11 दिसंबर को लोक संघर्ष समिति बनाए और उसके बाद फिर लोगों को पता चल गया कि कर्पूरी ठाकुर एक्टिव हैं, तो फिर पुलिस और गुप्तचरों की नजरों से बचते बचाते चौधरी चरण सिंह के घर में जाकर के आंदोलन के मसले पर विचार किया, योजना बनाई। 24 जुलाई 1976 को भारतीय लोकदल के कार्य समिति की बैठक में विचार रखने दिल्ली गए। 17 अगस्त से 3 सितंबर 1976 तक बनारस में रहे। 13-14 नवंबर को जेपी के निवास स्थान पर पटना में सभी विरोधी दलों की बैठक बुलाई और उनमें जनसंघ से लेकर के समाजवादी धड़ों तक को तमाम लोगों ने जो एक बात रखी थी उसके खिलाफ उन्होंने एक स्टैंड लिया और ये कहा कि हमें बिना डरे बिना झुके इस पूरे तानाशाही चीजों से लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय लोकतंत्र को बचाना है। तो लगातार चुनाव लड़ते रहे, लगातार मुख्य धारा की राजनीति में रहे, लगातार यह बात करते रहे कर्पूरी ठाकुर कि अपने लिए कम, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। के कामराज के बारे में कहा जाता है, लोहिया के बारे में कहा जाता है कि जब वो लोग गुजरे तो उनके पास कुछ नहीं था, एक या दो जोड़ी कपड़े, दो चार किताबें, वही हाल कर्पूरी ठाकुर का था। तो वो जो किस्सा है वो किस्सा समझने की जरूरत है कि कर्पूरी ठाकुर उस मीटिंग में जब आए तो चंद्रशेखर जी ने उनके कपड़े को देखा और वही चंद्रशेखर ने सारे लोगों से चंदा जुटाया
और चंदा जुटाने के बाद उन्होंने वह चंदा कर्पूरी ठाकुर को दिया और कहा, कर्पूरी कभी अपने लिए भी सोचा करो, इससे कुर्ता बनवा लेना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। टीटो का एक किस्सा है, विदेश जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, वह भी मांग करके कोट ले जाते हैं जो उनके फिट नहीं बैठती थी, तो टीटो ने उनको जो है कोट भेंट की थी कि यह आप अपने लिए पहनिएगा। दो चीजें यहां जोर देकर कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी के लिए उनके महात्मापन को ग्लैमराइज करने के लिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने यह कहा कि जिस देश में लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पूरे तन ढकने का कपड़ा क्यों पहनूंगा, इसलिए उन्होंने एक कपड़ा धोती को लपेटते थे महात्मा गांधी। अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद वंचितों शोषितों की जमात से निकले जाने कितने लोगों ने ऐसे त्याग किए, कभी उनको वो इतिहास में जगह नहीं दी। हमारा समय उन्हें कैसे देखे, यह भी सवाल है। दो किस्से और सुनाऊंगा। मुख्यमंत्री थे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उस वक्त उनके पिताजी के साथ किसी की झड़प हो गई और उसने उनके पिताजी को मारा, पिटाई की, और उस समय उनके जिले के डीएम को यह बात जब पता चली तो डीएम ने कड़ी कार्रवाई की जिन लोगों ने उनके पिता को मारा था, और यह बात जब कर्पूरी ठाकुर को पता चली तो कर्पूरी ठाकुर ने सबको बुलवाया और डीएम से कहा इन्हें छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। इस देश में कर्पूरी ठाकुर के पिताओं की तरह जाने कितने बुजुर्गों की रोज पिटाई होती है, रोज उनके साथ अन्याय होता है। जिस दिन हम उन सारे बुजुर्गों के साथ अन्याय होना बंद करवा देंगे, उस दिन कर्पूरी ठाकुर के पिता के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो इसलिए व्यक्ति से नहीं लड़ रहे थे कर्पूरी ठाकुर, एक पूरे सामाजिक सांस्कृतिक संरचना से लड़ रहे थे। एक जिक्र आता है डकैता डोम का, मुख्यमंत्री रहते हुए डकैता डोम को कुछ लोगों ने, सामंतों ने, और जब मैं सामंत कहता हूं तो हम इस बात पर भी जोर दें कि हमें सीधे सीधे उनकी जातियों को चिन्हित करने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक शोषित वंचित जमात की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए यह जरूरी बन जाता है कि हम इस बात का विचार करें कि यह लड़ाई किन लोगों ने कैसे लड़ी है और कौन लोग इस लड़ाई के सामने चुनौती बनकर के खड़े थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो जब डकैता डोम की बात आती है, उनके कुछ लोगों ने पिटाई की, कर्पूरी ठाकुर खुद उससे मिलने गए, उसके मृत्यु और उसके बेटे को खुद चिता में आग जलाई, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, और इस तरह से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ हमारे समाज को बांटने की कोशिश की, हम उनके खिलाफ, हम एक बराबरी का समाज बनाना चाह रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो प्रसंग मिलता है जो बेहद अहम है। और अब उस असली सवाल पर आइए कि हमारे दौर में किन सवालों पर राजनीति हो रही है और कर्पूरी ठाकुर ने किन सवालों पर राजनीति की। कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार के मसले पर लगातार काम किया। बिहार की राजनीति में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और जननायक कर्पूरी ठाकुर को पैदा किया है, जिसके चलते बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय लंबे वक्त तक मूल प्रश्न के रूप में शामिल रहा है, आज भी है। कम से कम देश के बाकी हिस्सों में जितनी मात्रा में सामाजिक न्याय राजनीति के केंद्र में है, उससे ज्यादा तो बिहार में है ही। चुनौतियां वहां भी हैं, वहां भी लड़ना पड़ेगा सामाजिक न्याय को मूल विमर्श के केंद्र में रखने में, और लोग लड़ रहे हैं, जैसे ये मंच है, इस मंच के लोग भी लगातार इस कोशिश में हैं। लेकिन जो जमीन बनाई है कर्पूरी ठाकुर ने, उस जमीन का ये नजर है कि वहां लगातार सामाजिक न्याय राजनीति के केंद्रीय व्याकरण का हिस्सा रहा। किया क्या था कर्पूरी ठाकुर ने, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर को गालियां सुननी पड़ी? इस देश की आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में जिस प्रकृति की
और जितनी गालियां कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को सुननी पड़ी हैं, बहुत कम लोगों को ऐसी गालियां सुननी पड़ी। वीपी सिंह को सुननी पड़ी थी मंडल कमीशन लागू करने के वक्त, वीपी सिंह का जिस दिन निधन हुआ उस दिन भी वीपी सिंह को गालियां सुननी पड़ी थी। और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेता माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीयवर कांशी राम, दक्षिण भारत के तमाम नेता, दक्षिण भारत में तो फिर भी एक सामाजिक सजगता है, वहां पर इस तरह की हिम्मत नहीं है गाली वाली देने की। वो पेरियार की जमीन है, वो फूले की जमीन है, वहां अंबेडकर, फूले, पेरियार, वहां रगों में लोगों के बीच ज्यादा है, जिंदा है। हमारे उत्तर भारत में ये इसके संघर्ष चल रहे, बहुत देर से वो बेचारे उत्तर भारत आए, लेकिन गालियां कैसे सुननी पड़ी। इन लोगों को राजनीति में मौका मिला, इन्होंने अच्छे भी काम किए, हम ये नहीं कहेंगे। लालू प्रसाद को खासकर लालू प्रसाद की तमाम चीजों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आज वह व्यक्ति एक राजनीतिक बंदी की तरह से जेल में है, समझौता नहीं किया उसने। आप उनके कुछ कामों से, कुछ चीजों से आप नाइत्तफाकी भी रख सकते हैं, लेकिन एक बड़ी सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका इन लोगों की, मानवर कांशी राम की है, सामाजिक न्याय की राजनीतिक दलों की है, नीतीश कुमार की है, लालू प्रसाद यादव की है, तमाम लोगों की। हाँ, हम जब विश्लेषण करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि उनमें कुछ खामियां भी रही हैं, और हमारे वक्त की नई बदलती हुई राजनीति में उन खामियों को भी हमें ठीक करना है जो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और मायावती जी या इन सारे लोगों की राजनीति में रह गई होंगी। लेकिन हम एक समग्र विश्लेषण जब करते हैं तब हम ये देखते हैं कि बिहार की राजनीति में जो जमीन बनाई थी वो कर्पूरी ठाकुर ने बनाई। कर्पूरी ठाकुर ने इतना बड़ा काम किया कि लोगों ने क्या नारा लगाया, कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस्तरा। उस्तरा समझते हैं, नाई का हाथ का श्रृंगार है उस्तरा। एक नाई घर में पैदा हुआ व्यक्ति जिसके पीढ़ियों ने हाथ में कैंची और उस्तरे से लोगों की जहनियत को, लोगों की बदमिजाजी को दुरुस्त करके उन्हें चमक और शान शौकत बख्शी, उन्हीं सामंतों ने, उन्हीं जातिवादियों ने इन नाई परिवार के लोगों को कभी बराबरी की हैसियत नहीं दी। और उस नाई घर में पैदा कर्पूरी ठाकुर के हाथ में जब सत्ता चलाने की कलम आई तो उन्होंने इतिहास रच दिया। दलितों और आदिवासियों के अलावा व्यवस्थित तौर पर पिछड़ों को 26% आरक्षण देने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर यह मांग की, भूमि सुधार की बात की और सत्ता के हर पायदान पर भूमि सुधार को लागू करवाने की शुरुआत कर दी थी। मैं इस किताब को पढ़ रहा था, इस किताब के जरिए आपको दो तीन चीजें और अहम है जो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बिहार क्या है इसको लेकर के कर्पूरी ठाकुर ने क्या कहा था उस जमाने में कि बिहार में सरकार जैसी कोई चीज नहीं है, और जो कुछ ठठरी है, ठठरी समझते हैं दिखावा ढांचा, एक जर्जर सा ढांचा, ठठरी है वह पक्षपात, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अयोग्यता, अन्याय और अत्याचार आदि रोगों से ग्रस्त है। और जितने प्रसंग इस विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री काम करते हुए या बतौर नेता विरोधी दल काम करते हुए जितने सवाल पूछे हैं, जितने काम किए हैं, उसमें किसान का सवाल सबसे आगे है। वो सिंचाई की बात करते हैं, वो भूमि के जोत की बात करते हैं, भूमि सुधार की बात करते हैं और कहते हैं कि भूमिहीनों को कैसे जमीन हम दे सकेंगे। कर्पूरी ठाकुर इसके प्रावधान बनाते हैं कि सिंचाई को कैसे मुफ्त करके छोटी जोत के किसानों के ऊपर जो टैक्स लगा है उसको कम किया जाए। कर्पूरी ठाकुर ये सवाल उठाते हैं 1980 के आसपास कि कृषि योजनाओं में जितनी
आवंटित है बजट, वो बजट खर्च ही नहीं होते, और सबसे ज्यादा अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है। गन्ना किसानों से लेकर छोटी फसलों और कम टिकाऊ फसलों के आधार पर उन्होंने ये सारा काम किया, और फिर कहा ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के विकास पर गृह निर्माण के लिए जो पैसा दिया गया उसमें से एक पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस पैसे को बढ़ाया, 50,000 रुपए कैसा और मिलता है। लोगों ने कहा घर नहीं है कर्पूरी, घर बनवा लो आप, 50,000 रुपया लोगों ने भेजा, और उन्होंने उससे उस एक स्कूल बनवाया। हमारे वक्त के युवाओं को यह सवाल और यह बात जाननी बेहद जरूरी है कि जिस दौर में उनके पास घर नहीं था, वो चाहते तो उस पैसे से घर बनवा सकते थे, उन्होंने एक विद्यालय क्यों बनवाया, एक स्कूल क्यों बनवाया। तो आज की राजनीति कहां खड़ी है, वो आपके दरवाजे पर खड़ी होकर के राम मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांग रही है, और हम दलित पिछड़े आदिवासी लोग जिनके नायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललित सिंह यादव, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया पेरियार, बिरसा मुंडा थे, हैं, उन बहुजन लोगों के घरों से चंदा लेकर के राम मंदिर बनाया जा रहा है, और उसी वक्त नई शिक्षा नीति 2020 लागू करके आपके बच्चों के हाथों से स्कूल और विश्वविद्यालय छीन करके उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें अंबानी अडानी के हाथों में बेचा जा रहा है। अगर हमारे दौर में कर्पूरी ठाकुर को हमें वाकई याद करना है तो यह सवाल पूछना होगा कि कर्पूरी ठाकुर किस नाम, किस काम से जननायक के नाम से प्रचलित हुए थे। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए 3% आरक्षण दिया, और उसमें सभी जाति की महिलाओं की बात की। कर्पूरी ठाकुर ने सोशलिस्ट पार्टी से यह सवाल पूछा कि आप तो ये नारा देते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60, और आपको जब मौका मिला तो आपने एक सवर्ण को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। इससे नाराज हुए कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर असल मानी में सामाजिक न्याय के योद्धा का नाम है, जिसने वह जमीन तैयार की, 26% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को, और उस आरक्षण लागू करने के नाते क्या बोला, एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे। फिर से सुनिए इस नारे को, सुनिए इस गाली को, सुनिए जो कर्पूरी ठाकुर ने सुनी और सही है, एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे। यह आत्मविश्वास कहां से आया, क्या आरक्षण देने का काम आज तो ये बड़े बड़े फकीरों की पार्टियां, राम मंदिर बनवाने वालों की पार्टियां, इनकी हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को छेड़े, सीधे तौर पर नहीं छेड़ रहे, याद रखिएगा, वो अंदर अंदर आपके आरक्षण को लील चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, वो अंदर अंदर सारी सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुके, अंबानी और अडानी को सबको सारा शिक्षा रोजगार किसानी सब कुछ बेच रहे, वैसे ही आपका सामाजिक न्याय आरक्षण खत्म है, लेकिन कभी वो खुल के नहीं कर पाए क्योंकि उसकी जमीन कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने बनाई, उस जमीन को बनाने के लिए ये गाली सुननी पड़ी, एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे। मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको चुभे, क्योंकि आपने अपना इतिहास जानना छोड़ दिया है। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, फिर से सुनिए एक स्लोगन को, उस जमाने में यूपी में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, राम नरेश यादव किसी समाजवादी या सामाजिक न्याय के राजनीतिक दल से नहीं थे, वो उसी कांग्रेस पार्टी से थे, और राम नरेश यादव यहां के मुख्यमंत्री थे, और वहां कर्पूरी ठाकुर उन लोगों के लिए क्या नारा बेला भेजा गया, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी बार बनावे भैंस चरावे राम नरेश। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के लिए कहा कि गंगा में आग इसलिए लग गई क्योंकि नीची जाति के लोग हमारी कुर्सी पर बैठ गए, तो एक बार अतीत अपना जानने की जरूरत है। बार बनावे कर्पूरी केस, कर्पूरी बार बनावे भैंस चरावे राम नरेश,
किसने आत्मविश्वास दिया था इन नारों को बोलने का? और उससे सबसे ज्यादा भद्दा नारा, मुझे चुभता है, मैं चाहता हूं कि आपको भी चुभे, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां बियाई, यह बोलना पड़ रहा है मुझे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह बोलते हुए मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सुनते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन सोच कर देखिए यह सब झेलते हुए कर्पूरी ठाकुर को कैसा महसूस हो रहा होगा। खुलेआम वहां पर गालियां दी जाती हैं। एक प्रसंग है नक्सलवाड़ी मूवमेंट पर, प्रेम कुमार मणि लिखते हैं, नक्सलवाड़ी मूवमेंट के समय एक बार अपर कास्ट ऊंची जाति के लोगों ने बिहार में एक रैली निकाली थी। और पता है वहां जब नक्सलवाड़ी मूवमेंट चल रहा था, जब जमीन को लेकर के एक लड़ाई चल रही थी कि जमीन के पुनर्वितरण के सवाल पर एक पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा था, उस जमाने में सवर्ण जाति के लोगों ने, उन्हीं सवर्ण जाति के लोगों ने जिनसे लड़ते लड़ते शहीद हुए थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम लोग सामाजिक न्याय के, तमाम लोग, वही सवर्ण जाति के लोग आज सामाजिक न्याय को गाली देते हैं और आज के राजनीतिक दलों के सबसे बड़े दुश्मन वही बने बैठे हैं। हथियार लहराते हुए उस रैली में नारा लगाते हुए, इसी नारे का एक रूप प्रेम कुमार मणि लिखते हैं कि वो लिखते हैं कि नक्सलवादी कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई। और यह नारा इसी रूप में चलता है कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी। यह आजाद भारत के पूरे इतिहास के सबसे काले पन्ने हैं जिन्हें हम लिखना चाहते हैं उजले पन्ने के रूप में, कि आपने जिन्हें गालियां दी उनकी विरासतें अब इतनी ताकतवर खड़ी हैं कि वो आपसे आंख मिला रही हैं। हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर हम ये सवाल पूछना भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति की, जिन लोगों को कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को पूरा करना था, उन्होंने लैंड रिफॉर्म के सवाल को क्यों छोड़ दिया, उन्होंने सामाजिक न्याय में पिछड़ी जातियों के साथ अति पिछड़ी महादलित जातियों, दलित जातियों के साथ महादलित जातियों को साथ बांधे रख पाने में क्यों सफलता हासिल नहीं की। आज हमारे समय के सामने चुनौतियां ये हैं कि हमें वापस सामाजिक न्याय के सवाल को मुख्य धारा के सवाल के रूप में स्थापित करने का वक्त है। माना कि दौर इतना मुश्किल है कि वो चुनी हुई सरकारों को विधायक खरीद के गिरा रहे हैं, वो शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, वो सारे सार्वजनिक निकायों को, रेलवे को, एयरपोर्ट को, LIC को, BSNL को, भेल को, नवरत्न कंपनियों को, सबको अंबानी अडानी जैसे प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। जिन्होंने नारा दिया था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने देश के एक एक सार्वजनिक निकाय को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में भेज दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 जो इसी पैंडेमिक के दौर में लागू कर दी गई है, इस नई शिक्षा नीति के जरिए उन्होंने उन्हीं स्कूलों और डिग्री कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तक को भी अंबानी अडानी के हाथों में बेच दिया है। पूरी नई शिक्षा नीति में एक शब्द भी आरक्षण नहीं है। तो सफल कौन हो रहा है, जिन्होंने गाली दी थी कर्पूरी ठाकुर को कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई, और जिनके लिए कर्पूरी ठाकुर ने गालियां सुनी, जिनके लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपमान सहा, जिनके लिए कर्पूरी ठाकुर कभी इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में कायदे से दर्ज नहीं हो पाए, अपना कुछ नहीं बनाया, घर तक नहीं था, कपड़े तक नहीं थे, उस कर्पूरी ठाकुर का ख्वाब, उस कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष, उस कर्पूरी ठाकुर का मिशन आज कहां खड़ा है, राम मंदिर बनवाने के लिए चंदा देने में। ये दलित पिछड़े आदिवासी आपस में सब लड़े जा रहे हैं, अगर ये सारे लोग मिलकर के इस सवाल को उठाएं कि इस देश में जाति जनगणना क्यों जरूरी नहीं है, मंदिर जरूरी है कि विश्वविद्यालय, आपके हाथ से स्कूल और विश्वविद्यालय छीने जा रहे हैं, राम मंदिर के लिए चंदा बनाया जा रहा है, और राम मंदिर बनने के बाद कहा जा रहा है अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, जाइए 3000 मंदिरों की हिंदू, विश्व हिंदू परिषद और विश्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिस्ट बनाई है हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए। हमारा समय किन चुनौतियों के सामने खड़ा है, वह समय है सामाजिक न्याय के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण। कर्पूरी ठाकुर जैसे योद्धाओं को,
निचली पायदान के लोगों को जब सत्ता में मौका मिला तो उन्होंने मनुष्यता की रचना की, लोकतंत्र को सही अर्थों में प्रतिपादित किया, भूमि, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, महिला, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इन सबके लिए काम किया। यह है न्याय का काम। इसलिए हमारे नायक है कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर पर बारीकी से इसलिए बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं अभी बहुत चूंकि समझाने की शक्ल में ये बातें रखनी पड़ रही है, इसलिए आपसे कुछ चीजें दे रहा हूं। एक वाक्य छूट गया, 17,000 सिंचाई विभाग में नौकरी देना था, 17,000 नौकरियां एक लेटर के साथ। गांधी मैदान में उन्होंने बुलाया था 5,000 इंजीनियरों को एक साथ लेटर देकर के नौकरी दी थी, आरक्षण लागू करके, दलित पिछड़े आदिवासियों को आरक्षण लागू करके उन्होंने सबको नौकरी दी थी। 17,000 सिंचाई कर्मियों की नौकरी देनी थी और उसके लिए उन्होंने तारीख रखी थी, आवेदन करवाया था, एक हफ्ते के भीतर उन सबको नौकरी देनी थी। हंगामा मच गया बिहार की राजनीति में और सारे लोग एक तरफ होकर के, क्या दक्षिणपंथी, क्या कांग्रेसी, तमाम लोग एक होकर के इनकी सरकार गिरा देते हैं कर्पूरी ठाकुर की। वो गिरी हुई सरकार आज भी अपना हिसाब मांगना चाहती है। कर्पूरी ठाकुर के जिस्म पर कोई गालियों का दाग नहीं है, वो उनके विचार पर है, वो उनके वैचारिक संघर्ष पर है। भूल गए आप उन गालियों को जो आरक्षण लागू कराने वाले योद्धाओं ने हमारे आपके लिए सुनी और सही? कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे वजूद के साथ आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको पड़ने वाली एक एक गालियों का हिसाब वे पीढ़ियां जरूर करेंगी जिनके लिए उन्होंने गालियां खाई थी।